जैसी तैसी कमीने जाता है कि दो एक। अपनी बचपन की यादें ताजा करने पहुंचे शाहिद और सोनाक्षी मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में। यहाँ अपनी मूवी आर राजकुमार को प्रमोट करते हुए नजर आए ये दोनों सितारे। यहाँ इन दोनों ने शेयर की उनकी बचपन की कुछ यादें। चलिए खुद उनसे ही सुनते हैं। एक तो यार मेरा कॉलेज है, मैं मीठीबाई में पढ़ चुका हूँ, तो जब भी जाता हूँ बहुत कूल फील होता है, ऐसा लगता है वापस घर आ गया। और मुझे वैसी फीलिंग भी आती है, मैं जब भी कैंपस को एंटर करता हूँ जिस तरह से वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम नो कि मैं मीठीबाई से ही हूँ, तो एक अपनापन सा एक फील होता है। अच्छा लगता है, मैं NM में पढ़ी हूँ बट मीठीबाई के कैंटीन में बहुत समय बिताया था मैंने, और फेल्ट रियली नाइस टू गो बैक। एंड ऐसा जब रिस्पॉन्स यंगस्टर्स से मिलता है तो इट जस्ट फील्स रियली गुड। एक फिल्म, ये एक अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, यंग लव स्टोरी है, तो उनसे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, which is good for us. साथ ही साथ बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स होते हैं जिनकी दोस्ती बहुत ही कम लोगों से होती है, और शाहिद भी है उन्हीं एक्टर्स में से एक, इसीलिए तो वो जल्दी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। लेकिन हाल ही में इनका भी कोई नया दोस्त बन गया है। चलिए शाहिद से ही पूछते हैं आखिर कौन है ये इनका नया दोस्त। सब लोगों के साथ इंसान जब काम करता है तो पॉसिबल नहीं है सबसे, मुझे एक्चुअली जिन लोगों की सबसे दोस्ती होती है ना मुझे उनसे डर लगता है, बिकॉज सबसे दोस्ती होती है मतलब कुछ रियल नहीं है बॉस, मुझे ऐसा फील होता है। कुछ लोगों के साथ नेचुरली दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों के साथ नेचुरली एक यू नो एक पॉजिटिव एटमोसफियर बन जाता है एंड यू गेट अलॉन्ग विद समबडी। तो मेरे थोड़े दोस्त हैं इंडस्ट्री में, और आज की तारीख में मैं कहूँगा उनमें से एक सोनाक्षी हैं, बिकॉज इस फिल्म में काम करने के बाद आई फील दैट वो बहुत ही बहुत मज़ा आया हमको काम करके साथ में, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और सो आई थिंक शी इज़ अ फ्रेंड, एंड आई थिंक फिल्म खत्म होने के बाद भी आई एम श्योर। और तू तो ऐसे बोल रहा है हम लोग आगे पिक्चर नहीं करेंगे साथ में यार। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सोनाक्षी बस डेट्स नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं मैडम फिट कर ले मुझे। आपने वाकई में बहुत मेहनत की है शाहिद अपनी मूवी आर राजकुमार को प्रमोट करने में। अब देखना यह है कि आपकी मेहनत फिल्म में कितना रंग भर पाती है और आपकी दोस्ती दर्शकों को कितनी पसंद आती है। एंटरटेनमेंट डेस्क, बॉलीवुड नजर, मुंबई।